कॉलेज की लड़कियां तो यहाँ खड़ी है भाई, मुझे कॉलेज जाने की क्या ज़रूरत है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूँ, आज हम इस नहर में नहाएंगे भाई। आज से 10-12 साल बाद में नहर में नहाया हुआ, इसके पहले मैं नहाया नहीं, क्योंकि भाई मेरे को डर लगता है इसमें नहाने का। डर इसी बात का कि इसमें मगर ना आ जाए, क्योंकि मैं बहुत पहले नहाया था मैं, और आ भी ना रहा हूँ। क्योंकि इसलिए ना रहा हूँ क्योंकि भाई घर में थोड़ा पानी आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा गर्म होने में, तो और इसका पानी अभी सुबह सुबह गर्म है, इस वजह से मैं नहा धो के इसमें से निकलता हूँ, क्योंकि मुझे कॉलेज जाना ना इस वजह से। चलो अब इसमें नहा लेता हूँ फटाक से, मैं अपना कच्चा बनियान में लेके आ गया, चलो नहा लूँ अब। दोस्तों तैरना सीख जाओ, क्योंकि अपने ही धक्का मार रहे अक्सर, ध्यान रखना। तो तैरना अति आवश्यक है भाई साहब। बहुत सालों बाद ना रहा हूँ भाई, बहुत सालों बाद, 10-12 साल हो गए लगभग मेरे को, उसके पहले ना आया नहीं है इसमें। हर हर गंगे। हाँ तो ना दोगे तैयार, आज मंगलवार भी था, पूजा वूजा कर कुरा के तैयार। मुर्गे भी बोल रहे हैं भाई उठ जाओ अब, तो मैं तो उठ गया बहुत जल्दी। तो भाई इन्फॉर्मेशन बता दूँ मैं आप लोगों को, आज मैं जा रहा हूँ वर्धमान, क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल कैंप स्टार्ट है, जो कि किसके हैं मैं आप लोगों को कॉलेज जाके बताऊँगा। क्योंकि भाई और मैं आप लोगों को बता दूँ, इससे पहले आठ दिन तक मैंने वर्धमान से कोई कोर्स नहीं किया है, क्योंकि सारे कोर्स मैंने रेगुलर से किए हुए हैं गवर्नमेंट कॉलेज से। मैंने ग्रेजुएशन अपनी BA की जो कि किए थे ग्रेजुएशन, वो हमारे अंता में मैंने रेगुलर कॉलेज से की थी। इससे पहले मैंने आज कोई कोर्स नहीं किया था, बट हमारे सर थे कोई, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तू ये वाला कर, क्योंकि मेरे को स्टडी भी थोड़ा सा कंटिन्यू रखना है आगे की ओर। जब तक ये नहीं हो रहा तब तक तो मुझे कंटिन्यू रखना पड़ेगा। तो वर्धमान आज हम लोग जाएंगे, कहाँ पर है मुझे अच्छे से मालूम नहीं है, बस ये पता है राउत बाड़ा रोड पर, तो मैं वहाँ चलता हूँ और अभी निकलता हूँ फटाक से यहाँ पे। 7 बजे से कैंप स्टार्ट है, बट 8:30 बज चुके हैं, क्योंकि मुझे क्या करना है मैं जाके मैं बताऊँगा अभी आप लोग जाके होंगे। तो मैं अभी भाई अभी फिलहाल तो मैं निकलता हूँ यहाँ से। तो भाई अभी पत्थर मंडी से मैं निकल चुका हूँ, मुझे लगभग 12-14 किलोमीटर का डिस्टेंस क्लियर करना है, तो फटाक से निकलता हूँ मैं, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा लेट हूँ, क्योंकि आज तक मैं कभी कॉलेज वगैरह स्कूल वगैरह में लेट नहीं हुआ, पर ये मेरा पहला रिकॉर्ड है कि मैं पहली बार लेट होने जा रहा हूँ। तो भाई मेरी कुछ प्रॉब्लम है, मैं आपके साथ शायद शेयर करूँ आगे या नहीं, फिलहाल तो निकलते हैं अभी यहाँ से। फिर हम लोग एंटर हुए सीधे वर्धमान में, भाई अभी हम इसके अंदर एंटर हो चुके हैं। पहला एक्सपीरियंस है, काफी बड़ा है, मैं ढूंढ रहा हूँ पहले लोगों को, फिर उसके बाद बताता हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले भाई मैंने क्लास अटेंड की, क्योंकि भाई क्लास बहुत इम्पोर्टेंट थी, और ये 5 घंटे की थी, तो मैंने 3 घंटे की अटेंड की थी। फिर हमारी क्लास लगभग ओवर हो जाती है, मैं पानी पीने निकलता हूँ, क्योंकि मैं को ये देखना था, तो जियोग्राफी की काफ़ी सारी लैब है यहाँ पर, सबकी लैब है। हमारी क्लास का एरिया ये वाला है, मतलब यहाँ से हम लोग इंटर करते हैं, और यहाँ पे इंडिया का मैप आप लोगों को दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर बैडमिंटन वगैरह खेलने का है, और हमारी क्लास उस जगह लगी हुई है, और यहाँ पर फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मोशन, क्रिस्टोफोग्राफर ने कहा ये बात। भाई थोड़ा मेरे को अभी थोड़ा डिटेल देता हूँ मैं आप लोगों को बाहर चल के। CV रमन विज्ञान भवन, इसके अंदर भाई हमारी बीएस की क्लासें लगती है, जो कि काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर आते हैं। ये आप लोग इधर हाड़ौती भवन क्षेत्रीय केंद्र कोटा देख रहे हो ना, जिधर मतलब जिन बंदों की बुक वगैरह डिलीवरी नहीं हो पाई है, कोई इशू वगैरह हो गया है बुक से रिलेटेड या फिर एनी इशू, तो वो यहाँ पर आके पूछ सकते हैं। जैसे कि मेरा हुआ था कि मेरे को अभी बुक डिलीवर नहीं हुई, काफ़ी सारे महीने हो चुके हैं, इस वजह से मैं अभी अंदर जा रहा हूँ अपनी बुक वगैरह देखे देख कहते हैं क्या कंडीशन है क्या नहीं है। फॉर द डिटेल लेट मी एक्सप्लेन यू गाइस, यहाँ पर तुम लोग असाइनमेंट वगैरह जमा वगैरह करा सकते हो, और यहाँ पर जो भी तुम्हारी डिटेल्स वगैरह है, जैसे कि मान लो करप्शन वगैरह कराना है किसी में, जैसे मान लो आपके स्कॉलर नंबर में कुछ मिस्टेक हो चुकी है, कुछ एनी इशू हो चुका है, तो आप लोग इस जगह पर आकर जो मैंने तुम लोगों को फर्स्ट में अभी आगे वाले क्लिप बताया ना, तो उसमें आप लोग देख सकते हो। तो अभी मैं अपनी बुक मेरी इधर नहीं मिली है, तो वो दूसरी जगह मिलेगी, कहाँ मिलेगी मैं आप लोगों को बताता हूँ। फिर भाई बड़ी मुश्किल से बुक अपार्टमेंट मुझे मिला, जहाँ पे काफ़ी सारे कोर्सेज की किताबें थी, तो आप लोग यहाँ से ले सकते हो।
तो फाइनली गाइस आई रिसीव्ड माय बुक, और शायद मैं फेल भी हो सकता था और अभी भी हो सकता हूँ, क्योंकि अभी एक ही दिन में भाई क्लास अटेंड की तो मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आया। बिकॉज भाई ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है बिलीज के अंदर, इसमें साइंस वगैरह मैथ्स और इकोनॉमिक्स वगैरह काफ़ी सारे सब्जेक्ट होते हैं जो समझ में नहीं आते हैं मेरी तरह अक्नोलेजेबल इंसान को। तो तुम्हें जो बुक वगैरह चाहिए या फिर किसी को क्वायरी वगैरह करनी है ना बुक से रिलेटेड, ले पकड़ भाई इसको पकड़, इनको बता दें ना वरना मेरी तरह ये भी घूमते रहेंगे। बुक से रिलेटेड अगर आप लोग क्वायरी चाहिए तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हो आराम से, यहाँ पर आके आप अपनी क्वायरी कर सकते हो और अपनी बुक वगैरह ले सकते हो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ले लेना भाई। और प्रैक्टिकल कैंप स्टार्ट हो चुके हैं तो इसमें भी तुम लोग आओ, अगर प्रैक्टिकल कैंप में नहीं भी आना चाहते तो तुम्हारे ऊपर है, उसकी अटेंडेंस आप लोगों की लग जाएगी मैम ने बोला था, बट आओगे तो आप लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा। बट मैं चाह कर भी नहीं आ सकता क्योंकि भाई मेरी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मेरे पापा थोड़ा सा एडमिट है इधर हॉस्पिटल में, तो फिलहाल तो भाई हम लोग उधर ही जाएंगे और थोड़ा और काम बाकी है उसको भी कब हम लोग करते हैं पूरा। भाई इसके अंदर आने के बाद मुझे एक चीज़ रिलाइज होती है, पहली बात तो ये क्लिनलीनेस का भाई इसको अवॉर्ड देना चाहिए क्योंकि क्लिनलीनेस काफ़ी सही है यहाँ पे। और दूसरी बात भाई साहब ऐसा लग रहा है जैसे मैं एनटीपीसी में आया, हमारे अंत में एनटीपीसी है ना, वैसा फील हो रहा है मुझे इस जगह भाई, क्योंकि एनटीपीसी से लग रहा है मुझे ये। तो फिलहाल भाई मैं यहाँ से निकलता हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा अर्जेंट काम है। फिर जाते वक्त भाई मैं दर्शन करने निकल गया गोदावरी, क्योंकि मैं अक्सर यहाँ से निकलता हूँ तो 90% तो भाई मेरी पूरी इच्छा होती है कि मैं हनुमान जी से मिल के जाऊँ। भाई साहब जोरों से असाइनमेंट की तैयारी चल रही है, बहुत डिले हो गया भाई, मेरे को नहीं पता था कसम से, बहुत लफड़ा हो गया और कर रहा हूँ कैसे भी करके भाई। टाइम हो रहा है 4 बजने लगभग, 4 बजे 2 बजे बैठे थे हम लोग, फटाफट देखते हैं कितना टाइम लगता है हमें इसे कंप्लीट करने में। हाँ तो भाई लगभग मेरा असाइनमेंट आधा पूरा हो चुका है, आधा बाकी है, और भाई साहब हालत ख़राब होगी क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं पेन चला रहा हूँ, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद सिर्फ ये कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में ही मैंने पेन वगैरह चलाया नोट्स वगैरह, तो मतलब करीबन 1 साल तो मुझे हो गया स्टडी पे थोड़ा सा फोकस किए हुए स्टडी पे, मैंने 1 साल से थोड़ा फोकस नहीं था तो भाई फाइल बनाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है भाई, बहुत भयंकर ये भाई बहुत मुश्किल से चल रहा है, बड़ी मुश्किल से इधर उधर धक्के मुक्की खा खा के किसी ना किसी एक दो बंदे से बनवाई, आधी मैंने बनाई, मैंने भी काफ़ी सारी बनाई, मेरा हाथ भाई यहाँ से सूज चुका है, मेरे को मालूम है कितनी मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। असाइनमेंट भाई बहुत समय बाद बना रहे हैं ना, कॉलेज के बाद डायरेक्ट अब बना रहे हैं, जो बीए में बनाए थे उसके बाद अब बना रहा हूँ, और लगभग आधा पूरा हो चुका है, आज हो चुकी है 13 तारीख, मुझे 14 तारीख को किसी भी हालत में जमा कराना क्योंकि 15 तारीख की हमारी छुट्टियाँ हैं। और वो मेरे को एक सबसे बड़ी दिक्कत मिली यार, इन्फॉर्मेशन पर बंदे को अब व्हाट्सअप से प्रोवाइड कराना चाहिए कि भाई प्रैक्टिकल चल चुके हैं, उसमें फाइल अटैच कर दी गई है ऑनलाइन, मेरे को नहीं पता था कसम से, मैं फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो मेरे को बिल्कुल नहीं पता था कि यार इसमें कहाँ से प्रैक्टिकल फाइल वगैरह बनती है ये बनती है, तो उसमें अटैच थी मैंने देखा नहीं यार, मेरे को इतना पता नहीं था क्योंकि हमारे तरफ कोई कर नहीं रहा था, मैं सिर्फ एक अकेला बंदा था जो कर रहा था जिसकी मुझे थोड़ी नॉलेज नहीं थी, अब धीरे धीरे मिलती है। और जिन लोगों भी BLIS हमारे जो कोटा के जितने भी मेम्बर है वो सारे कमेंट कर देना, क्योंकि मैं तुम्हें एक ग्रुप प्रोवाइड करवाऊंगा जो हम लोगों द्वारा सारे बंदों द्वारा बनाया गया है, ताकि आप लोगों को कोई भी इशू ना मेरी तरह देखने को ना मिले, क्योंकि मैं बहुत भटका, मेरी जैसा आप लोग भी भटके, तो भाई जो भी बंदे हैं वो ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वो बंदे कमेंट कर देना अपना नंबर, या फिर मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डायरेक्ट, तुम लोग सिर्फ कमेंट करो, लिंक मैं तुम्हारे कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो भाई अपने को सारी बुक डिलीवर हो चुकी है, और डिलीवर नहीं हुई थी भाई, मुझे वहीं जाके लाना पड़ा था, और बच्चों की किताबें अभी तक नहीं मिली है ब्लिस वालों की, तो भाई वो जाके वर्धमान से ही ले लेना, क्योंकि भाई ये लोग इनका भरोसा नहीं है कब आप लोगों को भेजें, आप लोग लेट जाओगे, तो ध्यान रखना कि आप लोग अगर बुक नहीं मिली तो आप लोग वहीं जाके ले लेना मेरी तरह। ये सारी बुक एक इसका सामने वाला इंटीरियर एकदम सेम दिखेगा, पर इसके जो अंदर की डिटेल्स है सब जगह अलग अलग है, तो भाई ये थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। हाँ तो भाई अपना असाइनमेंट वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, और मैं बता दूँ आप लोगों को जो बंदे अभी मेरी तरह न्यू थे और जिन लोगों की प्रैक्टिकल फाइल नहीं बनी, क्योंकि मैंने भाई बहुत अर्जेंट में बनाई और मेरे दोस्तों ने बनाई कि अभी ने नीड बहुत सारी हेल्प की, तो 15 नवंबर थी पहले लास्ट डेट, मैं 14 को करवानी थी, 15 की छुट्टी थी आज मतलब, तो भाई 30 नवंबर तक हो चुकी है, जिन लोगों ने BLIS की प्रैक्टिकल फाइल नहीं बनाई वो बनवा लेना, और क्या नाम से खुद बना लेना, किसी से भी बनवा लेना, बाकी हम लोग कंपेरिजन करें DLIS और VLIS तो मैनी मोर डिफरेंट, क्योंकि भाई BLIS थोड़ा सा हार्ड रहता है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा ज़्यादा ही हार्ड रहता है DLIS के कंपेरिजन में, तो DLIS हमारा थोड़ा कम ही रहता है, BLIS थोड़ा हार्ड रहता है। और बाकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप लोगों को BLIS से रिगार्डिंग तो मुझे कमेंट कर देना,
बाकी आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही गाइस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल। आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।